जय श्री राम दोस्तों, आज 21 अगस्त बुधवार के दिन आप सभी का फिट गुलिया ब्लॉक में हार्दिक स्वागत है। और हमारी जो जॉगिंग है 4.5 किलोमीटर वाली कंप्लीट हो गई है, और जो बाकी एक्सरसाइज है वो आपके साथ करते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए गुलिया जी सेवा में लगे हुए हैं, लालू मोटू सुदामा आजा बेटा, दूर खड़ा है अभी आएगा। देखिए अंधेरा है अभी इसलिए लाइट जल रही है, उसके नीचे आए हम। आजा बेटा आजा, कल बारिश खूब हुई है, आज भी कई जगह पानी भरा हुआ है। आ जा रे सुदामा, आजा बेटा, देखो ये खड़ा हुआ है इधर, आजा इसको वहीं रख दो सर। अच्छा आज नहीं पिएगा फिर ये? अच्छा क्यों भाई सुस्त क्यों खड़ा बेटा, आजा इधर पियो बेटा पियो। सर एक बार रख दो से वहीं डाल के देख लो, शायद पी ले। ये जब इसका खाली हो जाए ना, ये खाली वाला रख दो, खाली वाला। चलो पियो, हाँ इतना ही सर, देख लो शायद पी ले। नाराज लग रहे हैं सुदामा जी, पी बेटा, यह व्रत है तेरा आज, पियो पियो। बहुत बढ़िया, पिया सर पिया, आ गया। प्रिय मित्रों 4.5 किलोमीटर की जॉगिंग के बाद ये हमारा कार्डियो, जो हम 6 एक्सरसाइज करते हैं उनमें से पहली जंपिंग जैक्स, 30-30 रिपीटेशन के 3 सेट लेते हैं। मौसम बहुत शानदार है, पीछे चांद निकला हुआ है। ये है दूसरी एक्सरसाइज हाई नीज, इससे हमारा जो लोअर पेट है उसका फैट कम होता है। 30-30 रिपीटेशन के इसके भी सेट लेते हैं, बहुत बढ़िया सर। और यह है तीसरी एक्सरसाइज क्लैप अंडर लेग्स, इसके भी 30-30 रिपीटेशन के 3 सेट लेते हैं, और इससे हमारा साइड वाला फैट कम होता है, लेग की एक्सरसाइज होती है, और जो बैक है उसका भी फैट कम होता है, बहुत बढ़िया सर। और ये सर की टर्न कार्डियो में ये पहली एक्सरसाइज है, और कोई नहीं। और ये सेकंड एक्सरसाइज, गिरते हैं सहसवारे जंग में, हैं? वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं, ऐसा कुछ है? तो कोई बात नहीं, बढ़िया कर रहे हो, बहुत अच्छे। प्रिय मित्रों कार्डियो सेशन हमारा समाप्त हो चुका है। ये मसल ट्रेनिंग की 4 एक्सरसाइज है हमारी, जिनमें से पहली ये सपाटे, 30-30 रिपीटेशन के 3 सेट लेते हैं। इसमें भुजाओं की एक्सरसाइज होती है, लेग की एक्सरसाइज होती है, चेस्ट को सही आकार मिलता है, और जो बैक का लोअर बैक का जो फैट है वो कम होता है। 30-30 रिपीटेशन के 3 सेट लेते हैं, तो आप ये अवश्य शामिल करें। मौसम देखिए बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया हरियाली, घास देखिए पूरी, कारपेट बिछी हुई है ग्रीन, VIP वाली ग्रीन कारपेट, बहुत बढ़िया सर। जय सिया राम, जय सिया राम साहब, कैसे हो? और ये मसल ट्रेनिंग की 2nd एक्सरसाइज डिप्स। ये है देसी दंड, 30-30 रिपीटेशन के 3 सेट लेते हैं, बहुत बढ़िया सर। चेस्ट को सही आकार मिलता है, बैक का फैट कम होता है, लचीली होती है, भुजाओं और लैग दोनों की एक्सरसाइज होती है। फुल बॉडी वर्कआउट कहते हैं इसे, इसीलिए क्योंकि इसमें 4 आसनों का भी प्रयोग होता है, बहुत बढ़िया सर। मौसम देखिए, पीछे देखिए चांद भी नज़र आ रहा होगा आपको, छोटा सा
लाली माँ के ऊपर छोटा सा चांद नज़र आ रहा है, बहुत बढ़िया सर। और मसल ट्रेनिंग की फोर्थ एक्सरसाइज स्क्वैट, सेम रिपीट करेंगे सर। ये भी 30-30 के 3 सेट लेने हैं। ये भी आपने सेम रिपीट करनी है। और ये है लास्ट फोर्थ एक्सरसाइज, प्रिय मित्रों ये हमारा प्राणायाम सेशन। कोई भी प्राणायाम करने से पहले 3 गहरी सांस लेंगे, पूरा ध्यान अंदर की तरफ, आती जाती श्वासों की तरफ, और ये कपालभाति 100-100 रिपीटेशन के 3 सेट लेते हैं। कोई भी आप प्रक्रिया करोगे प्राणायाम वाली, 5 मिनट का समय उसमें अवश्य लगना चाहिए, तभी उसका पूरा लाभ मिलेगा। अधिकतम तो आप कितना भी कर सकते हैं, लेकिन 5 मिनट अति आवश्यक है। सीधे बैठना है, रीढ़ रिजू सीधी एकदम, खुला स्थान, और समय यदि 6 से 7 के बीच का हो तो अति उत्तम। बहुत बढ़िया सर। ये है अनुलोम विलोम, इसके भी 30-30 रिपीटेशन के हम 3 सेट लेते हैं। इससे हमारा जो हृदय है वो स्वस्थ रहता है, हमारे फेफड़े स्वस्थ रहते हैं, मन शांत रहता है। ध्यान आपको ये रखना है कि जितना समय श्वास को खींचने में एक नासिका से आप लोगे, उतने ही समय में दूसरी नासिका से वो श्वास मुक्त करना है। रीढ़ रिजू सीधी होनी चाहिए, और जो नाभि है उसके आसपास कोई बल नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया सर। ये कपालभाति, और कपालभाति में जैसा कि आप जानते हो जो ओम का स्वर है वो नासिका से निकालना होता है, जिससे हमारे मस्तिष्क में कंपन शुरू हो जाते हैं, और वहाँ जो लाखों न्यूरॉन्स हैं वो शक्तिशाली बनते हैं। और जैसा कि आप जानते हो यदि न्यूरॉन्स हमारे शक्तिशाली बनेंगे, तुम्हारी बुद्धि तीव्र होगी, याददाश्त अच्छी होगी, निर्णय लेने की क्षमता हमारी अच्छी हो जाएगी। बहुत बढ़िया सर। ये है ओम का जाप, रीढ़ रिजू सीधी, 3 गहरे सांस, और तब आप ओम का जाप करेंगे मिनिमम 3 बार, अधिकतम आप जितना भी करेंगे आपको पूरा लाभ मिलेगा। ध्यान यही रखना है कि यदि आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो ओम की ध्वनि को मंद रखेंगे, ब्लड प्रेशर लो है ओम की ध्वनि को तीव्र रखेंगे, यदि आप स्वस्थ हैं तो भी आप तीव्र ही रखेंगे, थोड़ा मीडियम। मन शांत रहेगा, क्रोध नहीं आएगा, पूरा जो दिन का कार्य है जो भी आपको मिला है उसे आप सही तरीके से और जिम्मेदारी से पूर्ण कर पाओगे। देखिए मित्रों चांद, अभी पूर्णिमा थी मंडे को, तो अभी थोड़ा ही कम हुआ है पूर्णिमा का चांद, देखिए आप। और चांद की हमसे दूरी है 384,400 किलोमीटर। देखिए दर्शन कीजिए चांद के, और इधर सूर्य भगवान की लालिमा, सूर्य भगवान निकलने वाले हैं। अब हादसा हो रहा थोड़ा थोड़ा। जय श्री राम मित्रों, आज का हमारा वर्कआउट समाप्त हो चुका है। आज है 21 अगस्त 2024। देखिए यदि आप झुकना सीख गए हैं, कोई भी व्यक्ति जब झुकना सीख जाता है सबसे पहले उसके अहंकार का नाश होता है, और यदि अहंकार का नाश हो जाता है तो फिर कोई आपकी तारीफ करे या निंदा करे इनका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। देखिए घटना महाभारत की है, महाभारत के युद्ध का 14वां दिन था, और द्रोणाचार्य ने हाहाकार मचा रखा था। श्री कृष्ण ने निर्णय लिया कि जब तक द्रोणाचार्य को युद्ध से नहीं हटाया जाएगा हमारी जीत असंभव है। तब उन्होंने भीम से कहा कि अश्वत्थामा नाम का जो हाथी है उसका वो वध कर दें। उसका वध कर दिया, और पूरे युद्ध स्थल में ये सूचना पहुंचा दी गई कि अभी अश्वत्थामा का वध कर दिया गया है। द्रोणाचार्य तक ये सूचना पहुंची, उन्हें विश्वास नहीं हुआ।
क्योंकि अश्वत्थामा वास्तव में एक महान योद्धा रहे हैं और अजेय थे उस समय। उन्हें विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने निर्णय लिया कि भाई युधिष्ठिर से हम पता करते हैं क्योंकि वो सत्य बोलता है। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछने की चेष्टा की कि युधिष्ठिर आप बताइए क्या सच में अश्वत्थामा मारा गया। तो युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा हतो हता नरोवान कुंजरो नरोवान कुंजरो। जब उन्होंने बोला तभी श्री कृष्ण ने शंख ध्वनि तेज गति से बजा दी और वो उस वाक्य को नहीं सुन पाए। और जैसे ही उन्हें पुत्र शोक की सूचना मिली वो युद्ध स्थल में बैठ गए और दृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। इसकी सूचना जैसे ही अश्वत्थामा को मिली वो क्रोधित हो गया और उसने निर्णय लिया कि मैं आज एक ही झटके में समस्त पांडव सेनाओं का नाश कर दूंगा। और उन्होंने नारायण अस्त्र का आह्वान किया। नारायण अस्त्र के बारे में बता दूं आपको कि नारायण अस्त्र एक तो दूसरे अस्त्रों से थोड़ा अलग है कि एक साथ आप पूरी सेना का वध कर सकते हो। दूसरा, इसका कोई काट नहीं है, जो भी पहले इसका आह्वान कर लेगा दोबारा फिर कोई इसका आह्वान नहीं कर सकता, दूसरी सेना इसका आह्वान कर ही नहीं सकती। श्री कृष्ण को जब ये पता चला वो भयभीत हो गए कि अब बचने का कोई रास्ता है नहीं। जैसे ही उसने नारायण अस्त्र प्रकट किया और जैसे ही चलाया श्री कृष्ण ने ध्वनि तीव्र ध्वनि से ये कहा कि सभी समस्त योद्धा समस्त सैनिक अपने सभी हथियारों को रख दें और हाथ जोड़ के केवल नारायण अस्त्र के सामने झुक जाएं। वो केवल एक ही विशेषता थी उसकी कि जो भी उसके सामने निहत्ता होगा उस पर वो वार नहीं करेगा। कहने का मतलब यह है मेरा कि यदि आप झुकना सीख जाते हैं तो सामान्य व्यक्ति की तो छोड़िए, ईश्वर को आप झुका सकते हैं। जगह जगह हमारा जो अहंकार है वही हमारे आड़े आता है, तो झुकना सीखिए। देखिए कहावत ही है कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है, तो झुकिए। देखिए शत्रु के सामने भी आप झुकोगे तो उसे आप विवश कर दोगे, उसकी आत्मा को झुकने के लिए विवश कर दोगे, आशीर्वाद देने के लिए विवश कर दोगे। आपके सामने भी आपका शत्रु यदि झुकता है तो उसे भी आप विवश कर दोगे, आशीर्वाद देने के लिए आप विवश हो जाओगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। धन्यवाद।